सी प्रोग्राम फॉर ऑक्टल टू डिसिमल। ऑक्टल नंबर को डिसिमल में कन्वर्ट करना है प्रोग्राम के द्वारा। देखते हैं इस प्रोग्राम की लॉजिक क्या होगी। तो पहले इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर द ऑक्टल नंबर। जब हम ऑक्टल नंबर देंगे तो ऑक्टल नंबर को जब हम ऑक्टल नंबर देंगे तो वो जाके वो ओसीटी तो इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। समझो मैं 352 दिया हूँ तो ऑक्टल नंबर है, इसलिए मैं इस वेरिएबल का नाम ऐसा लिया हूँ ओ सी टी बोल के। ऑक्टल के पहले तीन अक्षर, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, इस नंबर को अब डिसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इस नंबर को डिसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका थियोरिटिकल प्रोसीजर क्या है ये देखते हैं। पहले देखिए, ये ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर को डिसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑक्टल का बेस है या डिसिमल का बेस है। तो ऑक्टल नंबर का इसका राइट मोस्ट डिजिट क्या है, 2, वो 2 ले लेना इंटू 8 पावर 0। तो फिर सेकंड डिजिट ले लेना फ्रॉम राइट साइड, 5 इंटू 8 पावर 1। पावर ये बेस कॉमन रहेगा, पावर बढ़ता रहेगा। पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 8 तो कॉमन है, और ये जो डिजिट है जो है यहाँ से लिया जा रहा है। यहाँ 2 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 3 आया, तो इनको कैलकुलेट करिए, फाइनली 234 आया। तो ये इसका प्रोसीजर है, देखते हैं प्रोग्राम में वो कैसा करते हैं हम लोग। अब ऑक्टल नंबर में क्या है, 352 है, 0 तो नहीं है ना, 0 है तो फॉल्स हो जाएगा। यह कंडीशन ऐसा लिखा गया है, ऑक्टल इज नॉट इक्वल टू 0, इसे नॉट इक्वल टू पढ़ेंगे। तो ऑक्टल को 10 से डिवाइड करना, तो ये ऑपरेटर को मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं, ये रिमाइंडर देगा। तो इस नंबर को 10 से डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर 2 आएगा, तो रिमाइंडर रिमाइंडर में रखिए। तो रिमाइंडर में ये रखने के बाद अब देखो क्या करना है। तो ये 2 तो इसमें आ गया, अब तुमको 8 पावर 0 चाहिए, तो ये के में पहले ही 0 रखा मैं, तो के में जो ऑलरेडी 0 है, तो क्या करना है। तो ये फंक्शन जो यहाँ दिख रहा है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, मैथ डॉट एस सी हम ले रहे हैं। पी ओ डब्ल्यू फंक्शन ने क्या करेगा, 8 पावर 0 का रिजल्ट देगा, के 0 है ना, 8 पावर 0, तो ये फंक्शन दे देगा 8 पावर 0 का रिजल्ट। तो और रिमाइंडर में ऑलरेडी 2 है, तो हमको हो गया 2 × 8 पावर 0 का रिजल्ट आ गया। आ जाने के बाद वो किसे डिसिमल में ऐड कर देना, तो ऐड करने के बाद फिर डिसिमल में स्टोर कर देना। इसमें जो है 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका रिजल्ट तो आपको 2 ही आएगा। तो आने के बाद उसके बाद ऑक्टल को अपडेट करना कि ऑक्टल का वैल्यू अभी यहाँ कितना है, 352 है, तो ये 2 को हटा देना। तो 2 को हम कैसा हटाएंगे, उसे 10 से डिवाइड करो, कोएफिशिएंट 35 आएगा, 35। तो रिमाइंडर 2 आया था, कोएफिशिएंट 10 35 जाएगा, 252 रिमाइंडर आया था, 35 कोएफिशिएंट आएगा, वो 35 को ऑक्टल में ही फिर असाइन कर देना। तो ये 35 हो गया, ये स्टेप सी, ये 35 हो चुका है। अब के प्लस प्लस कर देना कि नेक्स्ट टाइम हमारा पावर होगा 1। तो चलिए, फिर ऑक्टल में तो 0 नहीं हुआ, फिर कंट्रोल अंदर आया, तो ऑक्टल को फिर हम 10 से डिवाइड, इस बार 5 आएगा। कभी भी देख लो 10 से डिवाइड करते हैं, उस नंबर का लास्ट डिजिट रिमाइंडर में आ जाएगा, 5 आ गया, 10 3 30 बचा 5 ऐसा। अब यहाँ देखना है कि पावर का प्रियॉरिटी, फंक्शन कॉल का प्रियॉरिटी ज़्यादा रहता है, इसलिए पहले ये देखें 8 पावर 1, के में 1 है ना, इसलिए 8 पावर 1 का रिजल्ट 180 रहेगा। तो वो 8 और रिमाइंडर कितना है, 5, 5 × 8 जा 85 जा मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद ऑलरेडी इसमें जो है ना उसे ऐड होगा, तो ये कितना होगा पूरा टोटली, 85 जा 40 होगा। तो ये 40 हो गया, ये 40 को इसमें ऑलरेडी जो 2 है उसे ऐड कर देना, तो 42 हो गया। तो उसके बाद ऑक्टल को फिर अपडेट करना, ऑक्टल को अपडेट करने से 35 है ना, तो इसको 10 से डिवाइड करो, कोएफिशिएंट इस बार ले लो 3, वो 3 आके फिर उसी को ऑक्टल कुछ असाइन कर देना, ऑक्टल 3 हो जाएगा। तो फिर के प्लस प्लस की पावर हमारा नेक्स्ट टाइम 2 हो जाए, तो उस बार ऑक्टल को फिर 10 से डिवाइड करो, तो यहाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा, नहीं जाने पर रिमाइंडर यही नंबर आ जाएगा, 3 आ गया। तो 3 आने के बाद, तो अब यहाँ चलिए 8 पावर 3, के का वैल्यू 3, चलिए रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर 2 है, 8 पावर 2 आने के बाद उस रिजल्ट और रिमाइंडर 3 है उसे मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका 64 कुछ आता है, तो रिमाइंडर 3 है उसका 64 × 3 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 192 हो जाएगा। वो 192 जाके डिसिमल में ऑलरेडी जो 42 है उसे ऐड कर देना, तो जब कितना हुआ 234 हो जाएगा ये। तो टू ऐड करने के बाद अब इसको अपडेट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करो, कोएफिशिएंट लो, उसी को दे दो, तो वो 0 हो जाएगा। तो के को प्लस प्लस ऐसा ही फॉर्मेलिटी के लिए 3 हो गया अभी, क्योंकि ऑक्टल में जब 0 हो गया तो अंदर आने का सवाल ही नहीं है, खत्म, यही हमारा रिजल्ट है, उसको हम प्रिंट कर लेना, गिवन ऑक्टल नंबर इन डिसिमल बोल के, ये डिसिमल में जो नंबर आया है वो हम लोग प्रिंट करेंगे। इसका आउटपुट आप देख सकते हैं,
तो एंटर द ऑक्टल नंबर हम एंटर करें, 352 आया, फिर उसके बाद गिवन ऑक्टल नंबर इज इन डिसिमल, तो 234 ये हम डिस्प्ले करें। थैंक यू।